आपकी आयु 42 वर्ष निर्धारित की, फलतः आप 72 वर्ष तक कार्य करते रहे और इसी वर्ष रिटायर होने के पूर्व ही आपका शरीर शांत हो गया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। घटना कैंची आश्रम की है। जब श्री चंद्रभान गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक दिन महाराज जी अपनी कुटिया के भीतर तखत पर विराजमान थे और पास में उनकी सेवा में खड़े थे श्री रमेश चंद्र चौधरी, नैनीताल कारपोरेशन के कर्मचारी रहे। बाबा जी बोले, रामू एक स्टूल लाकर हमारे पास रख दे। चौधरी जी सोचने लगे, अवश्य कोई ना कोई महान व्यक्ति आ रहा है जिसके स्वागत के लिए बाबा जी स्टूल रखवा रहे हैं। उनकी उत्सुकता जागृत हो उठी, क्योंकि बाबा जी ने ऐसा दिखावा पूर्व में कभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए भी नहीं किया था। उन्होंने स्टूल लाकर वहां रख दिया और आगंतुक की परीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में श्री चंद्रभान गुप्ता का आगमन हुआ। बाबा जी उस स्टूल की ओर अपने हाथों से संकेत करते हुए बोले, बैठिए। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी मैं बनिया हूँ, आपकी बराबरी में कैसे बैठ सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वे जमीन पर उनके चरणों के पास जा बैठे। बाबा जी उनकी ओर देखकर मुस्करा दिए। उल्लेखनीय बात यह है कि गुप्ता जी ने लखनऊ में गोमती के किनारे कारपोरेशन की भूमि पर बिना किसी अनुमति के बाबा जी द्वारा निर्मित हनुमान मंदिर का विरोध किया था और बाद में उनकी सरकार को बाबा जी से समझौता करना पड़ा, जिसमें सरकार की सब तरीके से हानि हुई। इस संबंध में निर्माण कार्य के प्रकरण में लखनऊ में पास पास दो हनुमान मंदिरों की स्थापना हुई। एक बार फिर श्री बीबी गिर उपराष्ट्रपति सरकारी यात्रा में नैनीताल आए हुए थे। आप राष्ट्रपति का चुनाव जीतना चाहते थे, इस कारण बाबा जी के आशीर्वाद के इच्छुक थे। आप कैंची आश्रम आए और बाबा जी के चरणों में आपने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जी कमल ओढ़े खड़े थे। उनका एक हाथ अपनी कमर पर था और दूसरा वरदान देने की मुद्रा में गिरी जी के ऊपर था। कैसा दृश्य था वह त्याग मूर्ति बाबा जी के आगे उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का वैभव पड़ा था। बाबा जी गिरी जी से कहते जा रहे थे, चुनाव जीतना चाहता है, जा हमने कह दी तू भारत का राष्ट्रपति बनेगा। गिरी जी की बाबा जी पर तभी से बड़ी आस्था रही। जब वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, बाबा जी का स्पष्ट आशीर्वाद पाकर आप दिल्ली आए और भारत के सर्वोच्च पद के उम्मीदवार बन गए। बाबा जी के आशीर्वाद ने फलीभूत होना ही था। गिरी जी चुनाव जीत गए और भारत के राष्ट्रपति घोषित किए गए। एक बार फिर स्वर्गीय देवी प्रसाद पांडे राजभवन नैनीताल में दैनिक वेतन पर सदा इलेक्ट्रीशियन का कार्य करते रहे। सार्वजनिक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश ने उन्हें मासिक वेतन में लाकर स्थायी करना चाहा। इसके लिए उन्होंने आपसे अपनी कार्य क्षमता की पुष्टि हेतु किसी प्रतिनिष्ठ संस्था का प्रमाण पत्र देने को कहा और साथ में अपनी आयु के संबंध में भी
विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करने की मांग की। आपने हाई स्कूल परीक्षा दी नहीं थी, इस कारण आप अपनी जन्मपत्री दे रहे थे, जिसके अनुसार आपके रिटायर होने में अर्थात 58 वर्ष पूर्ण होने में केवल 2 वर्ष शेष थे। आप बहुत चिंतित थे कि आपकी पेंशन बहुत कम बनेगी और आपको सरकारी क्वार्टर भी छोड़ना पड़ेगा। इस समस्या का आपके पास कोई उपचार नहीं था। इस बीच बाबा जी का घर में आगमन हुआ। जब मेरी चाची ने बाबा जी से यह चिंता व्यक्त की तो वे चाची जी से बोले, तू चिंता मत कर, तुझे कोई रिटायर नहीं करेगा। आपकी कार्य क्षमता का प्रमाण पत्र स्वीकार हुआ, पर आयु के संबंध में जन्म पत्री को विश्वसनीय नहीं माना गया। आपको आदेश मिला कि आप अपनी आयु निर्धारण के लिए सिविल सर्जन नैनीताल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। यह बाबा जी की प्रेरणा शक्ति का लेख था कि सिविल सर्जन नैनीताल ने आपकी आयु 42 वर्ष निर्धारित की। फलतः आप 72 वर्ष तक कार्य करते रहे और इसी वर्ष रिटायर होने के पूर्व ही आपका शरीर शांत हो गया। बाबा जी की वाणी के ऐसे उदाहरण अनेक हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से श्री कैलाश चंद्र जोशी 75 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और अभी तक सेवानिवृत्त नहीं किए गए। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।